आज बनाएंगे दोस्तों मात्र 2 मिनट में एकदम से बहुत ही टेस्टी बहुत ही झटपट बनाएंगे पास्ता। सबसे पहले यहाँ पे तेल डालेंगे, प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब इसमें अच्छे से कलर आ जाए ना तब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और हल्दी डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगा आज का पास्ता, बहुत ही अमेजिंग बनेगा सच में, आप देखते रहना लास्ट तक। फिर अच्छे से जब भून जाए सारे मसाले तो फिर यहाँ पर डाल देंगे लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे फिर अच्छे से भूनेंगे। फिर इसमें डाल देंगे टमाटर, या फिर टमाटर डालें आप, नहीं तो आपके पास अगर टमाटर अभी अवेलेबल नहीं तो आप यहाँ पे सॉस भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है। तो यहाँ पर लेकिन ताज़ी ताज़ी टमाटर से मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। फिर यहाँ पे डालेंगे मसाला, इसे कि यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के फिर इसे अच्छे से चलाएंगे। फिर यहाँ पे डाल देंगे पास्ता और फिर सबसे लास्ट में यहाँ पर हम डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे लास्ट में डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला। गरम मसाला पास्ता में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लीजिए हमारा जो झटपट पास्ता था वो बन के हो चुका है तैयार। बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब है पास्ता का रेसिपी और आप खाइएगा तो सच में एकदम से शौक पड़ जाइएगा। बहुत ही टेस्टी है, तीखा चटपटा और झाल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप भी अपने घर में बनाइए, इंजॉय कीजिए। कैसा लगा आज का पास्ता का रेसिपी जरूर बताइए कमेंट में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खाइए, इंजॉय कीजिए, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में।